गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में हम पहुंच गए थे जहां पर हमें जाना था। तो ये काफी डरावनी वीडियो है, प्लीज इसको आराम से देखें बिना डरे। सो गाइस आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, वाला व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, बट हाँ मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और हाँ इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही थी और फिर हमने देखा कहाँ पर आ गए। फिर मैंने ये कैसा नाम है रूपा, ठीक है, स्लो मोशन में मैंने कर दिया। देखो क्या इस रूपा तो यही है जिसका मैं इंतज़ार था, मेहंदीपुर बालाजी भगवान जी का मंदिर। और हम इसके बहुत ज़्यादा करीब हैं और जैसे ही हम इस जगह पहुँचे थे तभी बारिश बंद हो गई थी, पर हाँ सड़क पर पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था और भीड़ तो भक्तों की इतनी थी बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये वाला मंदिर लौटते में विज़िट करें जब हमने घर वापस जाएंगे। बट वैसे देखा जाए तो हमारा फर्स्ट विज़िट यहीं पर पढ़ना था और फॉर्चुनेटली हमने पहले विज़िट यही किया। हम वापस लौट रहे थे और बारिश भी तेज़ हो गई जैसे हम वापस लौट रहे थे। आफ्टर डेट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ भाई, सच में अनबिलीवेबल। जब हम वापस जा रहे थे, आपको स्पीड अप करके दिखाता हूँ, जब हम वापस जा रहे थे तो जब हम गए थे ऐसे तो कुछ था नहीं, बट हम देखा तो इतनी भीड़ हो गई यानी कि अरे भगवान। और एकदम से अंकल सामने प्रकट हो गए ना जाने कहाँ से और कह रहे नहीं वापस नहीं जाओगे, वापस नहीं जाओगे, अंदर गाड़ी खड़ी करो, अरे अंदर गाड़ी खड़ी करो, बार बार कहे जा रहे कहे जा रहे। और ये बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे कि नहीं आपको अंदर गाड़ी खड़ी कर दो या फिर पता नहीं क्या कह रहे थे, अंदर जाकर अंदर जाओ अंदर जाओ। ये दूसरी साइड ले जाना चाह रहे थे हमें, इधर साइड इशारा कर रहे हैं जिधर। और इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बारिश, इतनी तेज़ थी बारिश, देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और फिर ये मान ही नहीं रहे, हट के ही नहीं दे रहे, बाबे इधर जाओ यार इधर से चले जाओ कहे जा रहे बार बार। और मैं कैमरा लेके खड़ा हुआ तो मुझे पूरी पब्लिक गाड़ी में बैठ के कैमरा यूज़ कर रहा था, मैं इनकी वीडियो बना रहा था तो जितने भी भक्त थे सारे मुझे ही देख रहे थे, ना जाने ऐसे क्या कैमरा पहली बार देखा हो ऐसा कुछ। तो मेरे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा था क्योंकि ये डांस करने लग गए मेरे आगे, तो मैंने सॉन्ग लगा दिया ये है। लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा।
दुपट्टा अरे लाल दुपट्टा उड़ के यार तेरा हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ के यार तेरा हवा के झोंके से तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से मनक तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो मनक तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। हमने इनसे बहुत ट्राई करा पर इन्होंने नहीं हटाया और ऊपर से जब हम आए थे अब तो ऑब्स्टिकल कोई था नहीं यहाँ पर रस्सी वगैरह ऐसा कुछ पर रस्सी का नहीं थी लोहे की थी ये पर इन्होंने यहाँ पे ही भी लगा दी थी जिससे कि हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी ऊपर और भैया ने भी नहीं देखी थी जब वो गाड़ी को ले जा रहे थे। फिर हमने आखिरकार उनकी बात मान ही ली और इस गली में हमने अपनी कार को मोड़ा। असली खेल यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है प्लीज़ ध्यान से सुनना जो भी होता है। पहले फटाफट से कार को पार्क कर आते फिर बताते हैं क्या स्टोरी है। वैसे वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था वहाँ पर लोग सब कुछ ज़्यादातर ऐसे ही कर रहे थे। मुझे सिर्फ दो मिले और उनमें से एक बिल्कुल मेरे करीब से होके निकली थी और मुझे उस टाइम मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था और उस मंदिर में एंट्री लेने से पहले मेरे डैडी ने मेरे से कहा कुछ भी रिएक्ट मत करियो किसी को भी देख के बट जितने भी लोग गए थे सबसे मना कर दिया किसी को भी देख के कुछ रिएक्ट नहीं करना सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा रहना है। सपने वैसा ही किया जैसा डैडी ने बोला। इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि जब एक महंत रात को सो रहे थे तो उनको एक सपना आया जिसमें कि स्वयं बालाजी हनुमान जी आए थे और उन्होंने कहा यहाँ पर मेरा मंदिर बनवाओ और जिससे कि यहाँ पर मेरी मान्यता आने वाले वर्षों में काफ़ी बढ़ जाएगी। और उनके साथ ही साथ दो भगवान और थे, पहले तो थे प्रेतराज भगवान, दूसरे थे बालाजी भगवान और तीसरे थे भैरव बाबा। कहा जाता है यहाँ पर जो प्रेतराज थे वो अपने टाइम पर जब वो जिंदा थे तो अपने टाइम पर राजस्थान के राजा थे जो कि आत्माओं को कंट्रोल किया करते थे और यहीं पे जो कि सब कुछ ऐसा हरकत कर रहे हैं इनमें नेगेटिव एनर्जी घुसी है। दूसरे वर्ल्ड में जाने तो इन लोगों में बुरी आत्माएं फंसी हुई हैं जो कि मुक्ति पाना चाहती हैं और यहाँ पे आने के बाद लोग दूर दूर से आते हैं जिस जहाँ पर आने के बाद इन लोगों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस टेंपल में घुसने के बाद ये ऐसा मंदिर है जिसमें घुसने के बाद नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वैसे सारे मंदिर में जाने के बाद पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बट इस मंदिर में जाने के बाद नेगेटिव वाइब्स आती हैं ऐसा कहा जाता है। और ये भी माना जाता है जब हम इस मंदिर से बाहर निकलते हैं या फिर मंदिर में एंटर करते हैं तो इस मंदिर का ना ही प्रसाद खाना चाहिए ना ही यहाँ पे किसी स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए और किसी को हाथ तो गलती से भी नहीं लगाना चाहिए और प्रसाद नहीं खाना चाहिए और लौट समय जब जाओ तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये ऐसा माना जाता है और ऐसा फॉलो भी करा जाता है। अगर ऐसा कोई भी इंसान वहाँ का प्रसाद खा लेता है या फिर यहाँ के रूल्स को ब्रेक करता है तो शायद उनके साथ ये सब कुछ होता है जो यहाँ पे वीडियो में आप देख रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बट जब मैं बचपन में गया था तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिली और जब बचपन में तो बहुत ज़्यादा छोटा था जब भी का डर मुझे अभी भी है कि जब एक बालकनी थी बीच में जो आपको दिख रहे हैं लोग जा रहे हैं वहाँ से वहाँ पे पूरे इतने सारे लोग सिर मार रहे थे अपनी जाली में और बहुत से लोग जो रस्सी होती है ना वो रस्सी जाली में बंधी हुई थी वो तोड़ रहे थे पूरी एनर्जी लगा के। और देखो ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ऐसे देखने के बाद करीब से तो बट ये वीडियो काफ़ी पुरानी है बट जो अभी का लेटेस्ट मंदिर है काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में।